टोमेटो उसकी चेडर है। लैंग्वेज आप सुने तो आपने आप नहीं। परेशान हो जाए, इतना कह रहा था कि मैं लगाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं कह बहन रहा हूँ कि बेटियां, मोबाइल से अभी आपको सुनाते, लेकिन मम्मा नहीं सुना दे। लेकिन जो है ना सब बहन बेटियां देखने वाली हैं, और जो है ना रमजान का महीना है। एक मिनट पड़ेगा, ये प्राइवेट नंबर है जी, इससे कॉल आ रही है। और उसने इतनी गंदी गंदी गालियां भेजी हुई हैं, इतने बुरे उसने वो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो जैसा कि आप जानते हैं लोहरी व्लॉगर, और आज की जो वीडियो मैं काफ़ी शॉर्ट सा बोलूँगा, लेकिन ना मुझे इस टाइम बहुत गुस्सा आ रहा है। आप मुझे देख रहे होंगे कि गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि ना मेरी मम्मा का चैनल है, ठीक है ना, तो सब उस पर आपको पता है वो वेलफेयर पे काम करते, जिसका दिल करता है वो पैसे उनको भेज देता है कि आप इनकी हेल्प कर दें, इनको हेल्प कर दें। यार अगर किसी का दिल नहीं मानता तो ना करे, ठीक है ना। और पहली बात ये है कि अब हम लड़कियों की वहाँ पर वीडियो लगाते हैं, यतीम लड़कियों की, कि वो हेल्प के लिए आई हैं, ठीक है। कोई भाई बन के उनकी हेल्प करते, कोई बाप बन के उनकी हेल्प करते, कोई बेटा बन के हेल्प करते किसी की, ठीक है। और कुछ लोग जी उठते हैं और कहते हैं कि हम इनकी हेल्प करना चाह रहे हैं, उनको जो 10-20 हज़ार रुपये देना होता है वो हमारे अकाउंट में भेज देते हैं और कहते हैं इनको दें, ठीक है। अब हम उनके ऊपर जाके बना देते हैं क्लिप, जैसे आपको पता है जो हेल्प करते तो फिर उनकी वीडियो बनाते हैं, उनके नाम के उनका सारा ले देते हैं कि इन्होंने ये पैसे भेजे इनके लिए है, आपने करनी है दुआ ये वो, ठीक है। और फिर जी वो कहते हैं, हमें मैसेज करते हैं कि हमें ना पैसे वापस दो। हम कहते हैं यार, मैंने खुद बात की, मैं कहा भाई अभी हम उनकी तरफ जाएंगे, कल आपके हमने उनकी वीडियो बना दी थी, उनको पैसे आपके अमानत जो थी हमने दे दी, और अब हम आप उनके ना आज शाम को हम अपलोड करेंगे। वो कह रहा है कि ना मुझे नहीं, मुझे आप ना उनका नंबर दो। अब आप लोग बताओ किसी बहन बेटी का हम कैसे किसी को नंबर दे सकते हैं। और वो हमें आदमी क्या कह रहा था कि हमें उनका नंबर दो, हम किसी बहन बेटी का हमें अपना समझ के, काफ़ी हम पे ट्रस्ट करके हमसे बातचीत करती हैं, अपने इज़्ज़त का ख्याल रख के हमसे बात करती हैं, हम उनका काफ़ी उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं, और उनकी इज़्ज़त का के दायरे में रह के उनके मुंह पे फेस मास्क, उनका नकाब करवा के वीडियो अपलोड करते हैं। और वो जो घटिया शख्स हैं अब वो कह रहे हैं कि हमें इनका नंबर दो, ठीक है। अब हम इन किसी का नंबर कैसे दें, आप तो पहले हमें ये बताएं। वो एक बंदे ने, किसी ने कसम उन्होंने कदे पैसे वेखे नहीं, हो मैं उनकी कहाँ, उन्हें 10 हज़ार रुपये कॉल दिता, 10-20 हज़ार रुपये कॉल के उन्हें ना इतना टॉर्चर कर रहे हैं ना गाइस, के जो नंबर दिया उस पर इतनी। अब आपको मैं, अगर आपको हो ना तो आप गालियां भरे मैसेज तक सुना सकता हूँ, मेरे पास सारा व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्डिंग लगी है सारी, मेरे पास A to Z जितना भी है ना सब डेटा मौजूद है मेरे पास। और अब आप लोग बताओ कि वो हमें ना कह रहा है कि अगर आपने एक घंटे तक उनका नंबर दो या हमें जो है मेरे पैसे वापस। अब आप बताओ, हमने उनको जाके अब पैसे दे दिए, अब हमने पैसे दे दिए, अब हम उन्हें क्या कहें जाके, जिन्हें तुम पैसे कले से वो वापस मांग रहे हैं, वो पैसे वापस मांग रहे थे, उन्हें पैसे दे अस वापस उन्होंने देने ने। गाइस तुम दसो हूँ की करिए असी, तो ताकि मेहरबानी ऐं दे बंदे दूर रहन, साड़ी वीडियो सन ब्लॉक कर दे, सन यूट्यूब तो ब्लॉक कर दे, सन ठीक है। तो दूसरी गल, जिन्हों साढ़े तक ट्रस्ट नहीं गा वो साड़ी वीडियो सन ब्लॉक कर दें हर पास, सन ना वेखन, ठीक है ना। ये सदका खैरात होता है, तो ये जो है ना हम लोग तो खा ही नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम। और ये जो है ना पैसे हमारे ऊपर फ़र्ज भी नहीं है, और जो भी हमें देता है हम उनकी अमानत जो है ना जाके आगे तक पहुंचा देते हैं। लेकिन इस बंदे ने कल से हमें इतने टॉर्चर किया हुआ कि नंबर नहीं दोगे उनका तो जो है ना मैं उनके घर आऊँगा। पहले उसने हमें कहा कि इनके रिश्ते करवाते हैं हम, इनके जो ना हम जहेज नहीं लेंगे ये वो, तो हमने उनको नज़रअंदाज कर दिया। अब वो नंबर मांग रहे हैं, तो हम बताएँ किसी की भी बहन बेटी को, वो इतना यकीन रख के हमारे पास आते हैं तो हम उनका नंबर क्यों लीक करें। और उसने इतनी गंदी गंदी गालियाँ भेजी हुई हैं, इतने बुरे उसने वो हमें टॉर्चर कर रहा है। लैंग्वेज आप सुने तो आपने, आप परेशान हो जाए, इतना कह रहा था कि मैं लगाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल से अभी आपको सुनाते, लेकिन मम्मा नहीं सुना दे। लेकिन जो है ना सब बहन बेटियां देखने वाली हैं, और जो है ना रमजान का महीना है, तो मैं नहीं चाह रही कि हम जो है ना वो किसी भी बहन बेटी का रोजा खराब करें। और खुदारा जो है ना कोई जो भी ऐसा इंसान है ना, तो वो प्लीज भी हमारी वीडियो बेशक ना देखे, हमें नहीं जरूरत, जिसने करनी है ना करे, ना करे नहीं करनी ना करे, ठीक है ना। हमारे चैनल मोनेटाइज हो, अल्लाह ताला इतना देख के हम खुद कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना खुद कर लेते हैं।
आप प्लीज़ ऐसे लोग हमारी वीडियोस ना देखें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। ठीक है, मुझसे बोला नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो नंबर चेंज कर, हाँ नंबर चेंज कर करके जो है ना, ये देखिए ज़रा, ये देखें नंबर चेंज कर करके जो है वो कॉल्स कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप, हमने ब्लॉक की और फिर नंबर चेंज, मतलब गालियां दे रहा था, अब हम कैसे अनब्लॉक रखें। तो मेरी वीडियो बस यही थी, खुदा रहा ऐसे लोग हमें मैसेज ना करें। अब आप पहली बात तो आप इशारा देखें कि हमने किसी को किसी की भेजी हुई रकम उनके हाथों में पहुँचा दी, वो लड़ शख्स इतना तंग कर सके, हमने उसके टॉर्चर में आके वीडियो भी नहीं अपलोड की, मामा निकल, और अब वो हमने उसको उनकी जो रकम थी उन अगली फैमिली तक दे दी, अब वो कह रहा है कि ना मुझे पैसे वापस दो, और दूसरा कह रहा है कि जो है ना मुझे उनका नंबर दो। अब आप बताएं हम क्या करें, प्राइवेट नंबर। अब ये देखिए, ये देखिए अब इस नंबर से फिर कॉल आ रही है, कौन से नंबर से कॉल आ रही है, प्राइवेट नंबर, एक मिनट पड़ेगा, ये प्राइवेट नंबर है जी, इससे कॉल आ रही है। तो बस हमारी वीडियो आज तक यहीं थी, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।